और चलिए बात करते हैं पांच के पंच की आज की तीसरी बड़ी खबर की। और तीसरी बड़ी खबर है सम्मान पर सियासत। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि ये तो देश के सर्वोच्च सम्मान का अपमान ही कहा जाएगा। लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा कर रही है कि है, मैं अभी तक समझ नहीं सका हूं कि आखिर आडवाणी ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उन्हें भारत रत्न देने का फैसला किया गया। ये देश भूला नहीं है कि देश भर में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में आडवाणी जी की बड़ी भूमिका रही है। और इस खबर पर हमारे साथ जो है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब जुड़ गए हमारे साथ। सिंह साहब, यहां पर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लालकृष्ण आडवाणी को दिए जाने वाले भारत रत्न पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि आखिर आडवाणी जी ने ऐसा काम ही क्या किया है जो उन्हें इस देश के बड़े सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाए। क्या कहेंगे उनके बयानों को? दिया था उन्होंने तो 3 हजार सिखों का कत्ल कराया था, तो कातिल थे 3 हजार सिखों के, उनको किस बात का भारत रत्न दिया? इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, उनको किस बात का भारत रत्न दिया? जवाहरलाल नेहरू ने तो पाकिस्तान को एक हिस्सा दे दिया और चाइना को पूरा पूरा देश का बड़ा हिस्सा दे दिया, तो किस बात का भारत रत्न दिया उनको? इन्होंने तो देश में एटलीस्ट सांस्कृतिक धरोहर नहीं, एक जो हमारे भारत की सांस्कृतिक धरोहर है उसको वापस से जागृत किया लोगों में, उसकी जागृति लाए लोगों में। और ये जो इसको राजनीति के चश्मे से या धर्म के चश्मे से देखते हैं वो गलत है, क्योंकि तो राम भारत के सांस्कृतिक धरोहर है। राम कुछ लोगों के लिए पूजनीय है, कुछ लोगों के लिए अनुकरणीय है, तो परंतु राम सबके हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अडवाणी जी ने भी कभी उसको धार्मिक एंगल से नहीं देखा, उन्होंने इसको सांस्कृतिक धरोहर के नाते से माना। लेकिन सिंह साहब, उन्होंने यहां पर यह भी आरोप लगाया है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों में शामिल है, उन्होंने देश में सांप्रदायिक दंगे कराए हैं, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो। कोई कोर्ट में साबित हुई तो बात करें, अन्यथा तो कोई कहने को लाभ नहीं। पर पहली बात, दूसरी बात यह कि उन्होंने एक सांस्कृतिक धरोहर की बात करी थी और देश की जो सांस्कृतिक जो आत्मा है उसको जगाने की बात करी थी, उसमें उन्होंने कभी इसमें धर्म के एंगल से देखा नहीं, ना कभी संप्रदाय के एंगल से देखा। ये लोगों ने शरारत की होगी, परंतु मैं तो आरोप लगा रहा हूँ और आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो इसके साक्ष्य देने को तैयार हूँ कि राजीव गांधी ने 1984 के अंदर पूरा का पूरा जो घटना घटी उसके पीछे राजीव गांधी थे। कृपा करके उनको बोले, जीबी सिद्धू जो इंदिरा गांधी के जो रॉ के सिक्योरिटी अफसर थे उनके साथ डिप्यूटेड, उनकी किताब पढ़ लीजिए, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट से लिखा कि राजीव गांधी का क्या रोल था 1984 के अंदर। तो खैर, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, मगर अडवाणी जी का कद गांधी परिवार से बहुत बड़ा है और नेहरू परिवार से बहुत बड़ा है, और उन्होंने देश के अंदर अगर द्वारा से किसी ने पूरी देश के अंदर सांस्कृतिक जो हमारी सांस्कृतिक जागरण कराया तो उन्होंने किया। तो सिंह साहब, क्या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से आप इसके लिखे सबूत या जवाब मांगने के लिए कहेंगे? पार्टी को इन पर मतलब जवाब मांगेगी इस सवाल का? कुछ लोगों को छोड़ देना चाहिए, कुछ लोगों को आदत है सड़क पर चलते जब हाथी जलता, कुछ लोग पीछे कुछ न कुछ अपनी बात करते रहते हैं, छोड़ देना चाहिए उनको। इसलिए इनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा आपके लिए बड़ा इशू है, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। अडवाणी जी बहुत माननीय सम्मानीय और पूरे देश के लिए माननीय सम्मानीय है, ना उनके जैसा कोई होम मिनिस्टर रहा होगा, ना ही उनके जैसा कोई डिप्टी पीएम रहा होगा देश के अंदर कोई, और देश के अंदर बड़े कद्दावर नेताओं में से हैं, और जिन्होंने बताया ना मैंने कि इनके लिए राम सिर्फ पूजने नहीं अनुकरणीय भी है था, और आज भी राम पूजने भी अनुकरणीय भी है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ राम को सांप्रदाय के एंगल से या धर्म के एंगल से, धर्म मतलब जिसे हम लोग पंथ कहते हैं उसको पंथ के डायमेंशन से देखते हैं, राम सबसे बहुत ऊपर है और उन्होंने राम के माध्यम से पूरे देश को एक करने की कोशिश करी। चलिए आरपी सिंह साहब, तमाम जानकारी का हिस्सा बनने के लिए, साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देख सकते हैं जहां पर भारत रत्न को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि अपने गिरेबान में झांक कर देखे।
तो आप देख सकते हैं आरपी सिंह यहां पर कहते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस को अपने सिख दंगों की बात करनी चाहिए, देश में इमरजेंसी लगाए उसकी बात करनी चाहिए, और विदेशों में जाकर जो देश के खिलाफ खलल घोरने का काम करते हैं राहुल गांधी, उस पर बात करनी चाहिए। तो ये तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये चाल चरित्र रहा है कि जो देश के हित में काम करे वो गलत होता है, और वो उन्होंने जो किया देश के खिलाफ उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। उन्होंने सही तौर पर बात किया है, तो इशारों इशारों में ये कहा है कि और इस खबर पर हमारे साथ संजय यादव पूर्व विधायक कांग्रेस के जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय जी, यहां पर उमंग सिंघार जी ने अगर बात किया तो लाल कृष्ण आडवाणी के भारत रत्न दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों को आखिर इतना बड़ा देश का सर्वोच्च सम्मान कैसे दे सकते हैं? क्या कहेंगे इनके बयान को, उमंग सिंघार के बयान को कैसे देखते हैं आप संजय जी? देखिए, वो पार्टी लाइन पे किया कि व्यक्तिगत बयान है, लेकिन मेरा जरा व्यक्तिगत मामला ये है कि चलिए ठीक है, सीनियर आदमी है और कहीं ना कहीं उनका योगदान तो था भारत देश के लिए, तो उसमें अगर भारत रत्न सम्मान दिया है तो कोई गलत काम नहीं किया भलाई। हालांकि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए कभी, लेकिन अच्छे व्यक्तित्व है तो ठीक है। आपकी नजर में तो अच्छे व्यक्तित्व में देश के लिए उन्होंने किया है, तमाम पदों पर रहे हैं, लेकिन उमंग सिंघार के नेता जो है, मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जो है, वो तो कह रहे हैं कि सामाजिक उन्माद फैलाने वाले लालकृष्ण आडवाणी है, आखिर इतना बड़ा सम्मान उनको किस बिहाब में दिया जा रहा है, वो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। नहीं देखिए, ये अब सरकार का रवैया, सरकार किसको देना चाहती किसको नहीं देना चाहती सरकार का निर्णय है, लेकिन ये उमंग सिंघार जी के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं कि उनकी नजरों में होगा, लेकिन पार्टी की तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर पार्टी को करने की पार्टी रिलीज प्रेस रिलीज करती, अपना प्रवक्ता जारी करते, मतलब आप समर्थन करते हैं लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने का, और उमंग सिंघार की बातों को आप सिरे से खारिज करते हैं, ये मान लिया जाए? खारिज नहीं करते, वो उनके विचार क्या है, उनकी नजरिया क्या है, वो उनका नजरिया है, हमारा नजरिया तो ये है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हो गया, कौन देख रहा है आजकल? अभी चलिए संजय जी, लेकिन बात की जाए अभी बीजेपी प्रवक्ता, माफी चाहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े थे हमारे साथ आरपी सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 84 के दंगे कराए, सिखों का कत्लेआम कराया, बात किया तो राजीव गांधी ने जो विदेशों में जाकर जो किया, राहुल गांधी जो बयानबाजी करते हैं देश के खिलाफ विदेशों में, क्या ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जाना चाहिए? नहीं देखिए, राजीव गांधी जो है ना, कभी देश के खिलाफ नहीं, देश जोड़ने की बात करते हैं, देश हित की बात है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश तोड़ने की बात करती, ठीक है? तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिक फर्क ये है कि कांग्रेस का नाता शुरू से देश से रहा और देश का नाता कांग्रेस से रहा, लेकिन वर्तमान हालात में भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीति ढंग से चल रही है वो देश को नुकसानदेह है। चलिए संजय जी, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर जो है कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन संजय यादव जी लालकृष्ण आडवाणी को भारत दिए जाने के लिए समर्थन करते हुए नजर आए यहां पर।